कोलकाता के आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप और हत्या मामले में सीबीआई जोरों शोरों से जांच में जुटी हुई है। सीबीआई को हर तरफ से बस सबूत की तलाश है। अब इसी मामले में सीबीआई ने दो नए आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि 13 अगस्त को मामले की जांच अपने हाथों में लेने के 33 दिन बाद ये पहली बार है जब सीबीआई ने महिला डॉक्टर से रेप और हत्या मामले में किसी को गिरफ्तार किया है। ये इस केस में दूसरी गिरफ्तारी है। सीबीआई के सूत्रों ने बताया कि नई गिरफ्तारियों में आर्जिकल मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष और कोलकाता के ताला पुलिस थाना के एसएचओ अभिजीत मंडल शामिल हैं। आपको बता दें कि इनमें से डॉक्टर घोष को सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने और एफआईआर में देरी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, लेकिन अभी सीबीआई ने इन दोनों नई गिरफ्तारियों के बारे में खुलकर कुछ भी नहीं बताया है। साथ ही सूत्रों का कहना है कि शनिवार देर शाम सीबीआई ने ये दो नई गिरफ्तारियां की हैं। इन गिरफ्तारियों को देखने के बाद लोगों के मन में एक बार फिर से उम्मीद जाग गई है, लेकिन सवाल अभी भी उठ रहे हैं कि सच में सीबीआई इस केस को सुलझा पाएगी। बता दें कि इससे पहले आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में 9 अगस्त की आधी रात को सेमिनार हॉल में हुए एक महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या मामले में कोलकाता पुलिस ने 10 अगस्त को संजय रॉय नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया था। तब से आज तक सीबीआई के पास रेप और हत्या मामले में केवल यही एक मात्र आरोपी था। इसके बाद 13 अगस्त को ये मामला सीबीआई के हाथों में सौंप दिया गया था, जिसके बाद मामले की जांच अपने हाथों में लेने के 33 दिन बाद ये पहली बार है जब सीबीआई ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। हालांकि सीबीआई ने इस बारे में अभी भी ये स्पष्ट नहीं किया है कि पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष महिला डॉक्टर के रेप और हत्या करने में डायरेक्ट रूप से शामिल है या फिर षड्यंत्र रचने या अन्य किसी रूप में या फिर सबूतों से छेड़छाड़ करने और मामलों को छिपाने के रूप में शामिल है। लेकिन सीबीआई ने ये जरूर कन्फर्म किया है कि पहले से ही भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार डॉक्टर संदीप घोष को इस मामले में भी गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरी गिरफ्तारी के मामले में सीबीआई के एक अधिकारी ने बताया कि ताला पुलिस थाना के एसएचओ को मुकदमा देरी से दर्ज कराने के समेत अन्य आरोपों के चलते गिरफ्तार किया गया है, जिससे सबूत काफी हद तक नष्ट हो गए हैं।